का सिपाही था एक अंधा, साहू जी फौज में भर्ती होने गया तो कर्नल ने कहा अंधे से कि तू क्या करेगा, तो अंधे ने कहा अंधा धुंध फायरिंग करेंगे, अपने देश की तरफ से करेंगे। और यहाँ तो एक बार एक आदमी सेना में भर्ती होकर गया तो पाकिस्तान से युद्ध करके जब लौटा तो कर्नल से कहा कि हमने साहब पाकिस्तानी सैनिक का पैर काट दिया। दोबारा आया तो उसने कहा हमने पाकिस्तानी सैनिक का हाथ काट दिया। तो कर्नल ने कहा उसका सर क्यों नहीं काट के लाए नालायक, तो कहा सर तो पहले ही कटा हुआ था, अब क्या काटते हैं। तो ये भी एक बहादुरी है देश का। अभी हम बताए एक आदमी फौज में भर्ती होने गया तो कर्नल ने कहा हम तुम्हारा परीक्षण करेंगे, तुम फौज लायक के हो कि नहीं। एक खंभे के पास खड़ा कर दिया, कर्नल ने राइफल निकाली गोली चलाई तो गोली उसके शर्ट को छूती हुई निकल गई, तो डर गया। तो कर्नल ने कहा डरो नहीं, तुम्हारी शर्ट फट गई हम 500 रुपया मुआवजा देंगे। तो उसने कहा साहब 500 ने 1000 रुपये लो, पैंट भी खराब हो गई। तो तालियां बजाओ। ये सारी स्थितियां देश के लिए लोग बहुत चाहते लेकिन बेचारे कर नहीं पाते। लेकिन ये देश जवानों के नाम, ये जो हमारे सरहदों पे जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ उस सीमा पे मरते हैं कुछ इस सीमा पे मरते हैं। तो ये केवल सीमाओं का अंतर है, गॉड मेड लैंड बट मैन मेक्स बाउंड्रीज, ईश्वर ने दुनिया बनाई है। कुछ पंक्तियां हमने लिखी है कि न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, वतन पर मर मिटे वह इंसान चाहिए। न गीता चाहिए न कुरान चाहिए, एक साथ मिलके गौ विश्वगान चाहिए। कोक पत्नी चाहिए कोक संतान चाहिए, कोक मकान चाहिए कोक दुकान चाहिए, हमका वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान चाहिए। और तुमका चाहिए कश्मीर तो ले जाओ इमरान, मगर हमका पूरा पाकिस्तान चाहिए। तालियां आनी चाहिए, ये देशभक्ति के लाइन। और न हाथी न कमल न पंजा न साइकिल, इनका जूता चुनाव निशान चाहिए। और जो उम्र भर लुटाते हैं दुआएं मधुप, उन फकीरों को चुटकी भर पिसान चाहिए। और ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। अब मैं ये भैया किसी की चाबी यहाँ पे रह गई है, चाबी क्या पूरा चाभा है, इसमें लिखा हुआ हिमालय सिंस 1930 बेबी केयर लिखा हुआ चाबी। और ये चाबी जिस भाई साहब की रह गई हो वो यहाँ आके ले ले। हाँ नहीं, गाड़ी तो हम ले जाएंगे, चाबी उनको दे देंगे, तो ये जिनकी हो ले जाएंगे। चलिए मैं कार्यक्रम का अब आगे गति प्रदान करता हूँ। दादा रति राम जी से निवेदन करता हूँ कि बढ़िया शानदार जानदार दो फड़कते हुए गीत सुना दें, ताकि हमारे श्रोता बिल्कुल आनंद मग्न होकर के अपने घर को जाएं। अच्छा यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कितने कार्यक्रम के समापन में भी इतने लोग इकट्ठा, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में इतने लोग शुरू में नहीं होते। एक जगह वहाँ गंगवल में कार्यक्रम था, केवल 2 ही लोग बचे थे। हमने कहा आपको प्रणाम करता हूँ, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। कहीं कार्यक्रम गया भाड़ में, हम तो टेंट वाले हैं, जल्दी करो खत्म करो। ये ऐसी स्थिति। तो चलिए मैं दादाजी को प्रणाम करता हूँ और आप इनके द्वारा बढ़िया सुंदर सा कार्यक्रम सुने, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छे।